नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुकाम राजस्थान का नंबर वन चैनल। पेश है 1 जुलाई और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई। सेक्रेटरी जय शाह का बड़ा ऐलान, का टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त टैलेंट और समर्पण दिखाया है। बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए कैश प्राइस देगा। बोर्ड के सचिव जय शाह ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत खुशी हो रही है कि टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त टैलेंट और समर्पण और खेल भावना का प्रदर्शन किया है। चलिए इसी बीच एक और क्रिकेट जगत से बड़ी खबर। इधर विराट और रोहित के बाद जडेजा का भी टी20 इंटरनेशनल से संन्यास। 15 साल के करियर में 77 मैच खेले। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इससे पहले शनिवार को टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के कुछ ही देर बाद संन्यास की घोषणा की थी। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। डिप्टी सीएम ने दिया निर्देश, का अलर्ट मोड पर रहे अधिकारी। दिया कुमारी ने कहा, खराब सड़कें ठेकेदारों से ठीक कराएं, फील्ड में जाकर मॉनिटरिंग करें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक ली। इसी दौरान उन्होंने डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में खराब होने वाली सड़कों को जल्द से जल्द ठेकेदारों से दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि सड़क बनाने के कुछ ही दिनों बाद खराब हो गई। ऐसे में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में अगर सड़क के निर्माण कार्य में या गुणवत्ता में कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित ठेकेदार पर कार्यवाही होगी और उसको तत्काल ठीक करवाया जाए। इसी बीच आपको बता देगी एक और बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव फिर टले। एडहॉक कमेटी का कार्यकाल 3 महीने तक के लिए बढ़ाया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए के चुनाव की तारीख एक बार फिर अगले 3 महीने के लिए टल गई है। अब सितंबर महीने के अंत तक चुनाव कराए जाने की संभावना है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आज 1 जुलाई से होंगे बड़े बदलाव। बता दें कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे नए नियम। सरकार भी अपनी घोषणाओं को जुलाई महीने में आज लागू करेगी। जैसे महिलाओं और किसानों के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं हैं क्योंकि जुलाई से लागू हो जाएंगी। अगर आपके पास राशन कार्ड है या आपके पास सिम मोबाइल वगैरह जो भी हैं, नए नियम इस महीने लागू होने जा रहे हैं। अगर आपको इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आपको बता रहे कि कुछ अहम बदलाव हैं वो हम इस खबर के माध्यम से बता रहे हैं। इस वक्त राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, जुलाई महीने में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जुलाई से बीकानेर से बांसवाड़ा के लिए 2 AC बसें महिलाओं और बुजुर्गों को किराए में 50% की छूट के साथ रवाना की जाएगी। बाय टू बाय 1 जुलाई से सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। 4 में से 3 बसों के रूट के तय भी हो चुके हैं। इधर आपको बता दें कि 60 से अधिक उम्र के बुजुर्ग यात्रियों को किराए में 50% छूट दी जाएगी। वहीं 1 जुलाई से एक अहम बदलाव होने जा रहा है, पंजाब नेशनल खाता बैंक के ग्राहकों से जुड़ा हुआ है। दरअसल अगर आपका PNB अकाउंट है और उसे आपने सालों से इस्तेमाल नहीं किया है तो यह 1 जुलाई 2024 से बंद हो जाएगा। बैंक की ओर से बीते कुछ समय से सोशल मीडिया के जरिए लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है और जिन PNB अकाउंट में पिछले 3 साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है और इनका अकाउंट बैलेंस 0 है तो इन अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए 30 जून तक बैंक ब्रांच जाकर KYC करानी थी। अब नहीं कराई है उनके आज से अकाउंट बंद होने शुरू हो जाएंगी। साथ ही 1 जुलाई 2024 से कुछ समय बदलाव भी देखने को मिल सकता है। कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बार चेंज देखने को मिला है लेकिन घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली 14 किलोग्राम की घरेलू गैस सिलेंडर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 1 जुलाई शाम 6 बजे तक इसमें परिवर्तन हो सकता है। साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल आज से शुरू हो रहे हैं। ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसकी समय सारणी भी घोषित की गई है। राजस्थान में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में सरकारी स्कूलों में समर कैंप लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई में एक व्यक्ति को एक ही थाली मिलेगी। अन्नपूर्णा रसोई में अब एक व्यक्ति को एक ही थाली मिलेगी। अब तक एक व्यक्ति को एक समय में 2 थाली ले सकता था। सरकार ने जनवरी में ही भोजन की मात्रा बढ़ाती थी। अब सरकार का मानना है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही थाली पर्याप्त है। इसके अलावा राजस्थान में पहली बार मुफ्त गेहूं के बदले मिलेगा 5 किलो बाजरा। समर्थन मूल्य पर खरीदा गया बाजरा तो महीने यानी
नवंबर दिसंबर एवं जनवरी में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 4.47 करोड़ लोगों को गेहूं की एवज में बाजरा मुफ्त दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, जयपुर समेत 4 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। अलवर और दौसा में सड़कों पर भरा पानी। अगले 3 दिन भी जारी रहेगा बारिश का दौर। राजस्थान में मानसून सक्रिय रहा है। बता दें कि बदलाव हुआ और शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। जयपुर के अलावा दौसा, अलवर और करौली में भी तेज बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों पर नजर डालें तो जयपुर, दौसा, भरतपुर और अलवर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जबकि 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। इनमें मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित हुई है। इधर आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जैसलमेर जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों के अंदर सामान्य बारिश होने की संभावना IMD ने जताई है। इधर अलवर में सड़कों पर भरा पानी, वहीं करौली में 30 मिनट तक हुई तेज बारिश। मौसम में बदलाव से गिरा तापमान। अगले 3 दिन भी जारी रहेगा बारिश का दौर। 1 जुलाई को आज अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भजन लाल ने किया किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ। किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 1,000 रुपए। सीमा दलाल शर्मा ने कहा है कि 25,000 से अधिक किसानों को 350 करोड़ रुपए जारी किए हैं। डबल इंजन की हमारी सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं। किसान हित और समृद्धि के लिए काम किया है। ये हमारी सरकार किसानों और युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए एक वृत्त संकल्प है। हमने नौजवान भाइयों से वादा किया था कि 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। भर्तियां भी बढ़ाई जाएंगी, युवाओं से वादा किया और उसे पूरा करेंगे। साथ ही इसी दौरान सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विषम भौगोलिक परिस्थितियों और किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसानों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपए की अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 65 लाख से अधिक पात्र लाभार्थी किसानों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही तीसरी किस्त के तौर पर 500 रुपए उनके खातों में PM किसान सम्मान निधि योजना के रूप में आएंगे। अगली बड़ी खबर, RGSS लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे मिल सकेगी दवाएं। RGSS लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब उन्हें घर बैठे दवाएं मिल सकेंगी। इसके लिए RGSS लाभार्थी को SSO पोर्टल पर ऑप्शन सूच करना होगा। ये कर्मचारियों के लिए योजना है। चलिए अगली बड़ी खबर, आम खबर आ रही है। बता दें कि CM बिजलाल का अफसरों को निर्देश, एक नया सिस्टम बनाए जिससे नवजात शिशु का जनरेट हो एक यूनिक ID नंबर। सूबे के CM बिजलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा विभाग के 3 अभियानों का शुभारंभ करने के बाद अफसरों को निर्देश दिया। CM बिजलाल ने कहा, एक नया सिस्टम बनाया जाए जिससे हर बच्चे के जन्म के साथ ही उसका एक यूनिक हेल्थ ID नंबर जनरेट हो जाए। CM बिजलाल शर्मा ने ऐसा क्यों कहा, शायद चिकित्सा में आ रही त्रुटियों की वजह से कहा होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में निचले स्तर तक एक ऐसा सिस्टम विकसित होना चाहिए जिससे हर बच्चे के जन्म के साथ ही उसका एक यूनिक हेल्थ ID नंबर भी जनरेट हो जाए। भविष्य में उसके स्वास्थ्य से संबंधित हर जानकारी उस ID के तहत दर्ज की जाए। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की शक्ति, अब कॉलोनियों में 500 वर्ग मीटर से छोटे भूखंड पर नहीं बन सकेंगे फ्लैट्स। राजस्थान में बिल्डिंग बायलॉज का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। अब कॉलोनियों में 500 वर्ग मीटर से कम भूखंड पर फ्लैट्स नहीं बन सकेंगे। हाई राइज बिल्डिंग की ऊंचाई अब 18 से 15 मीटर प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार की शक्ति, कॉलोनियों में 500 वर्ग मीटर से छोटे भूखंड अब नहीं बनाए जा सकेंगे फ्लैट्स। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान का पूर्ण बजट पेश होगा 10 जुलाई को, डिप्टी CM दिया कुमारी ने दिया जवाब। राजस्थान बजट पर राज्य की डिप्टी CM दिया कुमारी ने कहा कि 10 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के 3 अभियान शुरू। CM बिजलाल बोले, राजस्थान में 1 जुलाई से चलेगा स्टॉप डायरिया अभियान। CM बिजलाल शर्मा ने 3 नए चिकित्सा अभियान शुरू किए हैं। इसके मुताबिक आपको बता दें कि अलग अलग अभियान है, 1 जुलाई से ये अभियान आज से शुरू होने जा रहे हैं। इन अभियानों के नाम राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान एक तो शुरू किया जाएगा, दूसरा एक अभियान है स्टॉप डायरिया अभियान 2024 और तीसरा अभियान आबा ID बनाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। ये तीनों अभियान अलग अलग काम करेंगे। मैं इसी के साथ आपको बता दें कि 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जाएगा और इसके अलावा 1.7 करोड़ बच्चों को प्लस पोलियो की खुराक का टारगेट दिया गया है। जुलाई महीने में घर घर जाकर भी ये दवाएं पिलाई जाएंगी। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।